हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये हवाथिया का है, जिसको एक लीव से प्रोपोगेट किया है। ये वाली लीव से प्रोपोगेशन इसका हुआ है और ये छोटा बेबी प्लांट बन गया है। इसका मैं आगे दिखाऊंगी कि 1.5 साल का ऑलमोस्ट ये अपडेट है और ये 1.5 ईयर्स में बहुत स्लो ग्रोइंग है। 2 प्लांट हुए थे, सब नहीं हुए थे। बहुत सारे मैंने लगाई थी ऐसे लीव्स से प्रोपोगेशन के लिए, और ये वाला एक प्लांट बहुत अच्छा हो चुका है। अब हम लोग इसकी जर्नी देखते हैं, 1.5 साल में कहाँ से कैसे बन के अब इसको मैंने इस बहुत छोटे से कंटेनर में रिपॉट कर दिया है और ये बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहा है। आप भी ऐसे प्रोपोगेशन ट्राई कर सकते हैं। वक्त लगेगा मगर इसका प्रोसेस बहुत इन्जॉय करेंगे, यकीन जानिए। ट्राई करके देखिए। चलिए देखते हैं इसकी जर्नी शुरू से 1.5 साल तक की। ये एक निकाला प्लांट, वैसे तो ये ऐसे डिवाइड भी हो जाता है मगर मैं आपको ये निकल ही आया। ये देखिए, ये थोड़ी सी लीफ कट गई है। इसको नाइफ को मैंने अच्छे से स्टेरिलाइज कर दिया है गरम, उससे। ये देखिए, इसकी लीफ को अब मैं एक एक लीफ को अलग अलग कर दूंगी। ये अब इसको 2-3 दिन तक कैलस बनने दूंगी। इसको कैलस मतलब ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सूखेगा, फिर इसके बाद में इसको इसी पॉट में लगाऊंगी। आज 3rd डे है और इसका ये कैलस बन चुका है, सूख गया एकदम और ये कैलस बन गया है। अब इसको मैं लगा दूंगी और थोड़ा सा वाटर भी करेंगे। सारे लगा देंगे, देखते हैं कितना इसका सक्सेस रेट होता है। अब इसको साइड से वाटर कर देंगे। बस अब नेक्स्ट टाइम वाटर करेंगे जब ऊपर की सॉइल एब्सोल्युटली ड्राई हो जाएगी। ये 1 साल का अपडेट दिखा रही हूं मैं। ये देखिए, ये बहुत स्लो प्रोसेस है मगर लीफ से ये प्रोपोगेट हो सकती है। ये 1 ईयर का अपडेट है, लास्ट ईयर जून में लगाया था 2020। अब ये 2021 जून मिड हो गया है तो ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। अब इसकी रूट्स देखते हैं कि कैसे हुई हैं। ये देखिए, ये एक लीफ लगाई थी, ये एक लीफ लगाई थी और ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आए हुए हैं। अब इनको निकाल के देखते बहुत धीरे से। इसका डिवीजन सबसे अच्छा, प्रोपोगेशन का फास्टेस्ट मेथड है। ये देखिए, ये मल्टीप्लाई हो गया है। यहां पर रख देती हूं इसको, छोटा सा बेबी प्लांट इसमें से निकला है, रूट्स भी निकल आई हैं। दूसरा वाला भी निकाल देती हूं मैं। ये देखिए कितना छोटा एक बेबी प्लांट निकल रहा है इसमें से। ये दोनों वॉश करके दिखाती हूं मैं, और वॉश करने से पहले इस पानी में मैं थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दूंगी। ये 1 साल में ये कंटेनर भी थोड़ा टूट गया है और ये इसमें मैंने बहुत लाइट पॉटिंग सॉइल लिया है। इसमें 50% सैंड लिया है, बाकी मैंने परलाइट लिया है 25% और 25% मैंने इसमें कोकोपीट लिया है। साथ में थोड़ी सी नीम खली ली है ताकि इसमें फंगस ना लगे। इसको ज़्यादा डीप नहीं करूँगी, थोड़ा सा बेबी प्लांट बाहर दिखता रहे। और एक ये लगा देती हूँ। ये देखिए, बेबी प्लांट्स दोनों में दिख रहे हैं।
अब इसमें ये पानी डालूंगी, ये फंगीसाइड वाला पानी है ताकि इसमें फंगल अटैक ना हो। कुछ दिनों तक तक खाली इसमें स्प्रे बॉटल से ही पानी डालेंगे। ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंटेनर जब लेते हैं तो एक्सेस वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस ये तैयार हो गया है एक पॉट हवातिया का, जैसे ये पॉट्स है। ये भी अभी कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा फुल भर जाएगा एकदम। और इसको प्रोपोगेशन का एक और तरीका होता है, इसको डिवीजन से। ये देखिए कितने सारे मल्टीप्लाई हुए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें, एक एक अलग कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि कैसे इसका प्रोपोगेशन हवातिया का एक लीफ से किया है। आप इसका बेस्ट तरीका, ईजिएस्ट तरीका अगर चाहते हैं, फास्टेस्ट तरीका, तो ये है कि इसको जैसे ये प्लांट एकदम भर गया है इस कंटेनर में भी पूरा रूट बाउंड हो चुका है, तो आप इसको दो या तीन में डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे पप्स निकल आए हैं, अब इनको बस अलग अलग ही करना है। मगर ये एक लीफ से प्रोपोगेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मैंने इसकी जर्नी बहुत इंजॉय की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।